नमस्कार और आप सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज लाइव आए हैं आप लोगों के समस्याओं का समाधान लेकर। क्योंकि बच्चों की एक समस्या थी, बहुत सारे बच्चे जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन जो भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म में तीन ऑप्शन आ रहे हैं, बीटेक, बी प्लानिंग और बी आर्क। तो भाई बच्चा कह रहा है कि सर अगर बीटेक, बी प्लानिंग, बी आर्क है तो हमें बताओ कि दोनों तीनों में क्या अंतर है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तीनों को टिक किया था, बी प्लानिंग, बी आर्क और बीटेक। तो बच्चों ने भी तीनों को टिक कर दिया और उसकी वजह से उनका 4,000 रुपए का एप्लीकेशन फीस शो हो गया। अब बेचारा बच्चा टेंशन में कि सर ये तो 1,000 रुपए का था, 4,000 कैसे हो गया। तो मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने उसमें बताया कि भैया ये तीनों सेलेक्ट करोगे तो 4,000 हो जाएगा और दोनों सेशन तुम दे रहे हो, सेशन वन सेशन टू, इसलिए 4,000 हुआ है। तो बच्चा बोला सर फिर सही है कि गलत। मैंने बोला यार सही है, करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बी प्लान बी आर्क में भी जाना चाहिए आपको। अगर आपका हो गया तो आप IIT जैसी जगह से आर्किटेक्चर करके निकलोगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चा बोला ठीक है सर हमें थोड़ा डिटेल बता दो। हमने बोला ठीक है हम बता देंगे। तो हेंस आज का ये सेशन कि भैया अगर आप, जैसे आपको ये पता है बीटेक करना चाहिए, आप बीटेक करना चाहते हो IIT से, लेकिन अगर उसी IIT से आपको बी आर्क की डिग्री मिल जाए तो क्या बुरा है, या उसी IIT से आपको बी प्लान की डिग्री मिल जाए तो क्या बुरा है। तो बुरा बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए आज का ये सेशन है कि भैया क्या है इन डिग्रीज में, फायदा है, नुकसान है, कैसा है। चलो देखते हैं, बात करते हैं, आ जाओ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसा बेहतरीन सेशन देता रहूंगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता रहेगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी आर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी प्लान मतलब बैचलर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इन तीनों में क्या है। तो तुम्हारा चॉइस क्या है, वैसे तुम्हारा कोई चॉइस बना हुआ है क्या, जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से बता देना। कोई चॉइस है, है कुछ है दिमाग में कि सर ये है हमारा चॉइस या फिर हमारा इंटरेस्ट ऐसा है, कुछ है तो जरा लिख के बताओ जल्दी से, मैं जानना चाहता हूँ। चलो भाई बीटेक में क्या होता है, बीटेक में भैया टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, स्किल्स पढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाएंगे, वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। बी आर्क में क्या करते हैं, आर्किटेक्चर बताते हैं। आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन क्या होगा, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा, घर के अंदर चीजें कैसे, इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे होगा, टेबल कहाँ रखी जानी चाहिए, टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए, टेबल मतलब रूम में, जैसे रूम में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, रूम का कलर कैसा होना चाहिए। आपको बताऊं, पता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तुमको पता है अभी मैं जहां पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेटअप किया हूं तब तुमको पढ़ा पा रहा हूं। ये नॉर्मल किसी भी कमरे में मैं ऐसे खड़े होकर नहीं पढ़ा सकता। अब तुम पूछोगे क्यों, तो मैं जहां पे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ना चारों तरफ फोम लगे हुए हैं। इन फोम्स को कहते हैं अकोस्टिक फोम। अकोस्टिक फोम मतलब बेसिकली वो गद्दे, मतलब फोम समझते हो, उस फोम में ना पिरामिडल शेप बना हुआ है। पिरामिडल शेप क्यों बना हुआ है, रुको हाँ ये दिखाता हूं, ये है तो एक ये रहा, अरे हाँ ये छोटा सा टुकड़ा है उसका, ऐसे बड़े बड़े हैं। अब ये पूरे कमरे में लगा हुआ है, पता है क्यों, क्योंकि ये अकोस्टिकल फोम का काम क्या है कि इस पे जब साउंड वेव्स जाता है तो साउंड वेव रिफ्लेक्ट नहीं करता क्योंकि टूट जाता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। और ये मेरे को इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो जाहिर सी बात है आवाज ट्रेवल करता है, वो गूंजता है और गूंज कर रिपीट आता है और इसमें जाता है और इको होता है। अब इको वाला आवाज भी तुम सुनोगे तो ऐसा थोड़ी सुनाई नहीं देगा, बट अच्छा नहीं फील होगा। अब इसी को थोड़ा और लेवल में बढ़ाता हूं, तो आपको पता है जहां पे रिकॉर्डिंग्स होती है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उसमें ऊपर छत पे और नीचे जो जमीन है उसमें भी फोम लगे रहते हैं, उसमें भी मोटी मोटी कालीने लगी होती है कि एक, और इवन जो रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे भी गद्दे लगे रहते हैं कि एक भी परसेंट रिवर्बरेशन नहीं आना चाहिए, एक भी परसेंट वापस रिपीट नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पे और ज्यादा इसका ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी और मैटर करता है। अब ये चीज कौन बताएगा, कोई ऐसा इंसान ना जिसको समझ आए, है तो ये समझ बी आर्क में देते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, तो अभी कुछ दिन पहले मतलब ये जिस ऑफिस में मैं हूं, इसके पहले मेरा दूसरा ऑफिस था, वो थोड़ा छोटा था। तो पता है वो छोटा था तो मैंने उसमें, मतलब मेरे को एक आर्किटेक्चर ने एक सजेशन दिया, उसने बोला कि आप अपने कमरे में जितनी भी चीजें हैं ना सब कुछ वाइट रखिए। मैं बोला क्यों, उसने बोला कि देखिए इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, जब भी कमरा छोटा होता है या स्पेस कम होता है तो वहां पे वाइट चीजें होती है ना, तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है और वो कमरा लाइटेड फील होता है और उसकी वजह से कमरा हल्का होता है और कम भरा हुआ लगता है। मैंने बोला ये सोच के तो मेरे को लॉजिकल नहीं लग रहा है, लेकिन लिटरली यू वोंट बिलीव, मैंने जब ये किया, मैंने उस कमरे में हर एक चीज वाइट या लाइट कलर की डाली, मेरे को वो कमरा, बहुत छोटा सा कमरा था जो पहले बहुत भरा भरा लगता था, वो मेरे को एकदम हल्का, और लगा कि यार इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है। तो ये सारी नॉलेज आपको आर्किटेक्ट वाला इंसान देगा,
समझ रहे हो, ये आर्किटेक्ट का काम है, घर कैसा बिल्ड होना चाहिए, पार्किंग कहां होनी चाहिए, ये सब कुछ आर्किटेक्ट करता है। ठीक, अब तीसरे पे आते हैं बी प्लान, बैचलर ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग वाला बंदा कौन होता है? तो प्लानिंग वाला बंदा बेसिकली एक ऐसा इंसान होता है, नाम में ही इसके प्लान लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आप बड़े हो गए, या फिर आपके पिताजी बिल्डर है, या आपको कहीं से करोड़ों रुपए मिले और आपको आपके दिमाग में आया कि यार मैं अपार्टमेंट बनाऊंगा और उसमें फ्लैट बना के बेचूंगा। अब एक बात बताओ, तुमको अपार्टमेंट बनाने का दिमाग आया तो तुम ऐसा थोड़ी कि जाओगे और जमीन खरीद लो और बोलो भैया बिल्डिंग ठोकना शुरू करो। तुम सबसे पहले ये देखोगे जमीन कहां मिल रही है, उस जमीन का दाम कितना है, उस जमीन पे जब मैं बिल्डिंग ठोकूंगा तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, उस बिल्डिंग को ठोकने में वक्त कितना लगेगा, फिर वहां कितने अपार्टमेंट्स बन सकते हैं, और उन अपार्टमेंट्स का पैसा इसी हिसाब से निर्धारित करोगे कि कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना मजदूर लगा, कितने दिन तक तुमने जमीन खरीद के उसको ऐसे ही छोड़ा, ये सारी चीजें करोगे ना। उसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर 10 और चीजें प्लान करोगे कि भैया पार्किंग कहां होगा, सीवेज कहां से जाएगा, पानी कहां से आएगा, सिक्योरिटी गार्ड का सिक्योरिटी क्वार्टर मतलब गार्ड क्वार्टर कहां होगा, ये सारी चीजें कौन बताएगा? तो एक ऐसा इंसान जो बी प्लान किया हुआ एक्चुअली में प्लानिंग करने वाला इंसान, और ये तो मैं बहुत छोटे लेवल बताया। अब मान लो तुमको शहर में कोई चौराहा बनाना है, या फिर सरकार को कोई एक 100 एकड़ की जमीन है और 100 एकड़ की जमीन में 10 मोहल्ले बनाने हैं, तो 10 मोहल्ले में कहां से रोड जानी चाहिए, कहां मंदिर होना चाहिए, कहां यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कहां मोहल्ला होना चाहिए, ये प्लानिंग कौन करेगा? बी प्लान, समझ रहे हो? तो बी आर्क बी प्लान मोटा मोटी ऑलमोस्ट बराबर है, बट बी प्लान बी आर्क दोनों का मोटा मोटी सेम काम होता है, बट दोनों अलग अलग डिग्रीज दी जाती है। और ये दोनों में सच बता रहा हूं, ऊपर से देखने में बस भले ये लग सकता है अरे सर इसमें क्या होता होगा, इसमें क्या पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, बट एक्चुअली में बहुत कुछ पढ़ाते हैं और इसका आगे चल के फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है। जनरली लोगों को लगता है फ्यूचर स्कोप नहीं है, बट करोड़ों करोड़ों में कमाते हैं अगर अच्छे आर्किटेक्ट या अच्छे प्लानर है तो। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे बीटेक का मतलब भैया वो सारे टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सारी। आर्किटेक्चर में ये घर और बनाना बताएंगे, प्लानिंग में प्लान रन करना बताएंगे। क्लियर? अब टेक करने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो? तो भैया आईटी फॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन फॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, अपना कुछ ओन स्टार्टअप कर सकते हो, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। मतलब एक इंजीनियर तो भैया दुनिया का कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आर्किटेक्चर में क्या कर सकते हो? भाई कोई आर्किटेक्चर फॉर्म ज्वाइन कर लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर लिए, गवर्नमेंट में एजेंसी वगैरह में ज्वाइन हो गए, या गवर्नमेंट में कर लिए, या यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चलता है ओन कंपनी, अपना कोई वेंचर डाल दिए या अपना कोई सेटअप डाल दिए। तो ओन सेटअप मतलब अपनी कंपनी खोलकर खुद कंसल्टेशन करने लगे, ये यहां पे भी चलता है, यहां पे भी चलता है, क्योंकि दोनों मोटा मोटी सेम है। और यहां पे सबसे ज्यादा अच्छा पैसा ओन सेटअप में ही है, जनरली लोग ओन सेटअप ही करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, ये दोनों डिग्री को आप एमबीबीएस टाइप समझिए। तो एमबीबीएस करने के बाद दो चीजें डॉक्टर कर सकते हैं, डॉक्टर या तो अपना क्लिनिक खोलकर बैठे और पेशेंट्स को देखें, पेशेंट को देखकर पैसा कमाएं, या दूसरे केस में क्या होता है डॉक्टर किसी बड़े हॉस्पिटल में नौकरी कर ले। अब एक बात बताओ, तुम कॉमन सेंस सोच के बताओ, डॉक्टर ज्यादा पैसा कहां कमाता होगा, अपनी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में नौकरी करके? या नौकरी करेगा जब डॉक्टर, तो उसको वही 50,000 लाख रुपया, 2 लाख रुपया ऐसे ही कुछ मिलेगा सैलरी, या बहुत से बहुत ज्यादा मिले 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना मिलेगा। 5 लाख रुपए का कभी 50 लाख रुपए महीना किसी डॉक्टर को सैलरी सुने हो? नामुमकिन है भाई, 50 लाख रुपए डॉक्टर को सैलरी कैसे मिल जाएगी? नहीं। लेकिन वही डॉक्टर जब अपना क्लिनिक खोलकर बैठता है तो 50 लाख तो क्या 5 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकता है, क्योंकि तुम लोग जानते हो, सारे लोग जानते हैं भाई, डॉक्टर अगर कमाना चाहे तो क्लिनिक, हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या खोल के कितना कमा सकता है। तो यही सेम चीज होती है आर्किटेक्चर और प्लानिंग, ये डॉक्टर टाइप का प्रोफेशन है। जनरली लोग अपना सेटअप डालते हैं, और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर के जैसा यहाँ पैसा ज्यादा नहीं लगता। जैसे डॉक्टर में तो जरूरी है कि आपके पास बड़ा जगह होना चाहिए, ऑपरेशन टेबल होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तब ऑपरेशन करोगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, एक टेबल चेयर लो, एक लैपटॉप लो, अपना काम शुरू करो, अगर तुम काबिल हो तुम तुरंत राइज कर जाओगे। समझ पाए? तो ये है आर्किटेक्चर और प्लानिंग, और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से बीटेक भर रहा है, तो बीटेक के बाद लोग अल्टरनेट में बी आर्क और बी प्लान की तरफ जा सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटेक 4 साल का होता है, बी आर 5 साल का, और बी प्लान भी 4 साल का। तो बी आर्किटेक्चर में 5 साल का पूरा आर्किटेक्चर होता है। मूविंग फॉरवर्ड, यहां पूछते क्या है? तो यहां पीसीएम का एग्जाम लेते हैं, जेईई मेंस में। यहां पे मैथमेटिक्स पूछते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछते हैं, एप्टीट्यूड पूछते हैं और ड्रॉइंग पूछते हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो मोटा मोटी बराबर ही है, ये तो मेंटल एबिलिटी हो गया, और ड्रॉइंग थोड़ा बहुत पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको चेहरा बनाना आना चाहिए, नहीं, सिंपल ड्रॉइंग पूछेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना,
ड्राइंग का टेस्ट निकाल लोगे। मैं जानता हूं अपने बहुत सारे दोस्तों को जिनको कुछ नहीं आता था ड्राइंग में, बहुत बेसिक आता था, वो इस एग्जाम में गए, दिया, हो गया उनका, सच बता रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक ड्राइंग, सर मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो क्या आर्किटेक्ट में नहीं जा सकते? जा सकते हो आनंद, बिल्कुल जा सकते हो। एक्चुअली में ये सबसे बड़ा मिथ है कि जिसका ड्राइंग अच्छा होगा वही आर्किटेक्ट बन सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्किटेक्ट कोई भी बन सकता है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी इंसान हाथ से ड्राइंग नहीं करता, सारे जगह कंप्यूटर आ चुका है और कंप्यूटर से ही सारी चीजें होती हैं। तो आप बिना कंप्यूटर के कुछ करोगे ही नहीं, तो फिर हाथ की ड्राइंग का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो? तो हैंस यू कैन गो देयर। और बी प्लान में भी वही मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ ड्राइंग नहीं पूछते, यहाँ प्लानिंग करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा जेई मेन्स का, यहाँ पे 3-3 घंटे का ही होगा, बट कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर बी आर एंड बी प्लान विल बी प्रोवाइडेड 60 मिनट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। वो ड्रॉइंग के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 300 नंबर का पेपर, यहाँ टोटल 400। आगे अब बीटेक में क्या होता है कि करीबन 11 लाख, 11.5 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं, 11,30,000 बैठे थे, तो 11.3 लाख बच्चे बैठते हैं जिसमें से आपको 30,000 के अंदर रैंक लाना है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे करीबन 1.2 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं, इसमें आपको 3000 के अंदर रैंक लाना है। तो मोटा मोटी उसी के आसपास है, 1/10 हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, तो 1/10 सिलेक्शन भी हो गया। और वही सेम चीज यहाँ पे, वही 1.2 लाख जो सेम है, उतने ही बच्चे होते हैं, करीबन 2000 के अंदर रैंक लाना होता है। क्लियर बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ से बीटेक मिलता है? तो सारे IITs, NITs, IIIT, GFTI, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इसके तो कॉलेज भरे हुए हैं। बी आर्क में IIT खड़गपुर रुड़की, यह है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर्स, तो ये SPA भी बहुत अच्छे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आता है। फिर NITs में भी मिलता है आर्किटेक्चर, जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिलता है, BIT मेचरा में, अन्ना यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो ये ऐसे प्राइवेट भी बहुत सारे हैं। क्लियर? प्लानिंग कहाँ कहाँ से मिलता है? तो प्लानिंग SPA, मतलब स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, बहुत ही फेमस और रेप्यूटेड है। SPA दिल्ली, भोपाल, फिर SPA विजयवाड़ा, फिर COEP इंजीनियरिंग का बहुत फेमस कॉलेज है, MST CET से मिलता है पुणे में, तो ये भी आप यहाँ से, यहाँ पे भी प्लानिंग मिलता है। और फिर मैनेट भोपाल, मैनेट मतलब NIT भोपाल, तो कुछ NITs IITs से मिलता है, मतलब IIT से तो नहीं प्लानिंग, बट NITs से मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीटेक में टीयर वन से करीबन 13-14 लाख का एवरेज पैकेज लगता है, ऐसा हम लोग सुनते हैं, ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा, एवरेज पैकेज 13-14 लाख सारे के सारे टॉप IIT से लगता है, और वहां पे काबिलियत होनी जरूरी है, क्योंकि 13-14 लाख कोई भी ब्रांच को लग जाएगा, ऐसा नहीं है जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग या मेटलर्जी, इन सब में नहीं लगता इतना पैकेज। और टीयर टू में जाओगे तो वो तो 6-8 लाख या उससे भी नीचे जाता है, ठीक। यहाँ पे 3-5 लाख लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया, जनरली लोग यहाँ पे जॉब करते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई सबको पता है जॉब में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, 3-5 लाख थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ के 6-8 लाख हो जाएगा, लेकिन 6-8 लाख बहुत बढ़ के आगे 10-12 लाख होगा, बट 12 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। ये लोगों को डे वन से पता होता है, जब बच्चे इस आर्किटेक्चर में जाते हैं तो उनको डे वन से पता होता है। और इसके कंपैरिजन दूसरा ऑप्शन उन बच्चों के लिए ये रहता है कि भाई वो अपना ओन सेटअप शुरू कर ले। तो ओन सेटअप में करना क्या होता है, बस एक लैपटॉप की आवश्यकता है, लैपटॉप से ज्यादा कुछ नहीं, एक लैपटॉप और एक टेबल, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए किसी बच्चे को। तो बच्चा बोलता है ठीक है ना भाई, बस एक लैपटॉप और एक टेबल चाहिए, और तब अगर तुम काबिल हो तो तुम महीने के करोड़ों रुपए कमा सकते हो, महीने के, एक महीने में करोड़ों रुपए कमा लोगे, इतना इतना पोटेंशियल है इसका। तो फिर हर बच्चा बोलता है फिर मैं जॉब में जाऊंगा ही क्यों, फिर मैं अपना सेटअप शुरू करूंगा। एंड हेंस बड़े गिने चुने कुछ बच्चे जिनको एकदम ऐसा घर से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, बाहर नहीं निकलने दे रहे, मान लो कोई लड़की है शादी कर दिया, तो वो लोग जॉब ज्वाइन करते हैं जो खुद का नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज मेजोरिटी लोग खुद का करते हैं, ठीक है। ये दोनों जगह सेम है, हेंस यहां का पैकेज कम दिखता है बट होता नहीं है कम, कमाने के पोटेंशियल्स बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें चैट में लिख रहे हैं, थोड़ी देर में पढ़ूंगा, पहले बता दूं सब कुछ। यहाँ पे बीटेक में भैया JEE एग्जाम दे सकते हो, BITSAT दे सकते हो, WBG, MST CET, BIT, IIIT, कॉमेट के, WBJ, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन, ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या दे सकते हो, मेंस दे सकते हो, एडवांस या नहीं होता है, मेंस के बाद ही सिलेक्शन हो जाता है। नाटा दे सकते हो, नाटा इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर है कॉमेट के थ्रू भी आर्किटेक्चर में जाते हैं। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आर्किटेक्चर होता है, तो वहां का भी AMU का भी ब्रांच है। वैसे ही प्लानिंग में JEE, नाटा और JUEE बेसिकली जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, और ऐसे बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, मैंने 2-3 के ही नाम लिखे हैं, बट अगर आप देखेंगे प्लानिंग में और क्या क्या है, आर्किटेक्चर में और क्या क्या है, तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटीज निकल आएंगे। क्लियर बात समझ गए? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बीटेक में बेसिकली टेक्निकल स्किल्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे स्किल का डेवलपमेंट होता है। आर्किटेक्चर में आपका ड्रॉइंग,
इनोवेटिव थिंकिंग. अच्छा, इनोवेटिव थिंकिंग कैसे और मैथ्स और एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट होता है. अब देखो, इनोवेटिव थिंकिंग बड़ी अच्छी स्पेशल चीज है. अच्छा, एक बात बताओ, एक सिंपल सा मैं तुमसे एग्जांपल पूछता हूं. तुम सारे लोग सोफा कम बेड जानते हो? सोफा कम बेड सुने होगे जरूर. सोफा कम बेड मतलब सोफे जैसा दिखता है, ये इस टाइप का होता है. मेरा तो ड्रॉइंग उतना अच्छा है नहीं. ये इस टाइप का, हाँ ये इस टाइप का दिखता है. और ये जानते हो, सुने हो? सारे लोग जरा बताओ, सोफा कम बेड. अब ये सोफे की तरह दिखता है, लेकिन इसको ऐसे उठाओगे, खोलोगे लंबा, तो ये पूरा बेड बन जाता है. देखा है ना? अब ये सोफा कम बेड अपने आप थोड़ी बना है. जैसे मुझे पता है, मेरे दादा दादी नहीं जानते थे इसको. मेरे दादा, इनफैक्ट तुम्हारे दादा दादी के टाइम पे भी सोफा कम बेड ना उन्होंने सुना होगा ना देखा होगा. लेकिन कभी कोई आया इंसान और आके बोला, अरे ऐसा कुछ बन सकता है, तो उसने दिमाग लगाया होगा. और वो जाहिर सी बात है, कोई इंजीनियर तो नहीं होगा या कोई डॉक्टर तो नहीं होगा, वो कोई आर्किटेक्ट टाइप का आदमी होगा जिसका काम ही है स्पेस मैनेजमेंट, चीजों को अच्छे से प्लान करना. वो ऐसा इंसान होगा. जैसे आज के डेट में तुम लोगों ने इंस्टाग्राम, तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते होगे, इंस्टाग्राम पे ना कभी इंटीरियर डिजाइनर करके ऐसा कुछ सर्च करना, बहुत सारे अकाउंट्स आ जाएंगे. उनमें से कोई कोई अकाउंट खोल के देखना, तो तुमको ये फील होगा कि यार वो लोग कितने यूनिक आइडियाज ले आते हैं भाई. ऐसा ऐसा, जैसे मैं तो देखता रहता हूँ, मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग बड़ा पसंद है. जैसे मेरी वाइफ भी इंटीरियर डिजाइनिंग में काफी इंटरेस्टेड है, उसने कोर्स वगैरह भी किया है, तो वो देखते रहती. तो मैं देखता हूँ भाई, ऐसे ऐसे किचन बनाते हैं. जैसे आज के डेट में ऐसे ऐसे मॉडर्न किचन हैं, आप किचन में जाइए आपको कुछ नहीं दिखेगा, और आप बटन प्रेस कीजिए नीचे से निकल कर आ रहा है. आप ड्रॉर खोलिए, ड्रॉर ऐसा घूम के खुल रहा है कि देख के ही मजा आ जाता है. तो ये सारे चीजें भी आर्क वाले करते हैं. क्यों? क्योंकि भैया उनका इनोवेटिव थिंकिंग नेक्स्ट लेवल चला जाता है, बहुत ही मस्त. मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं. मैंने एक आर्किटेक्ट से डाइनिंग टेबल डिजाइन करवाया था, डाइनिंग टेबल. एंड यू वोंट बिलीव, वो डाइनिंग टेबल बस इतना बड़ा है. बस इतना, मैं इतना हाथ लिया हूं ना, इतना मतलब लंबाई में इतना है और चौड़ाई में इतना है बस. उस आर्किटेक्ट ने मेरे को डाइनिंग टेबल बना के दिया, मेरे पास अभी भी है. और इतने छोटे से डाइनिंग टेबल, मतलब चौड़ाई इतना है, लंबाई इतना है, मतलब समझ ही गए, इतना छोटा सा, और उस पर 12 लोग बैठ सकते हैं, 12 पीपल. वो जब खुलता है, मतलब उसको वो इतना छोटा हो जाता है, मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ, चौड़ाई में इतना हो जाता है, लंबाई में इतना हो जाता है, और जब इसको खोलता हूं तो इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है कि इस पे 12 लोग बैठ सकते हैं, 12 पीपल. और जब, और मैंने उस आर्किटेक्ट को बोला ही था कि मेरे को स्पेस सेविंग कोई डाइनिंग टेबल चाहिए, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है. मैं जब उस वक्त बैंगलोर में रहता था, तो मैंने उसको बोला था मेरे को स्पेस सेविंग चाहिए. भाई साहब, उसने जो डिजाइन बनाया, मतलब मैं फैन हो गया उसका, लिटरली मैं फैन हो गया. सिर्फ उसे एक डाइनिंग टेबल के बाद मैंने उसे 1.5 लाख रुपए का और फर्नीचर बनवाया था, 1.5 लाख रुपीस का. मैं फैन हो गया. और लिटरली उसने जो जो फर्नीचर मेरे को बना के दिया, ओहो, आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट लेवल बनाया, सच बता रहा हूँ. उसने एक सोफा कम बेड बनाया, तो मैंने बोला सोफा कम बेड भी बना दो. तो सोफा कम बेड बहुत ही सिंपल सा है, 3 सीटर सोफा है, लेकिन जब उसको खोलोगे ना, तो उसमें 5 लोगों के सोने का बेड बनेगा. 5 लोग, मतलब मेरे नॉर्मल बेड का डबल है वो. उसने इतना दिमाग लगा के ऐसा सोफा कम बेड बनाया. बोला भाई, मतलब लिटरली, तो आर्किटेक्ट लोग जो होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल होते हैं. ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं. तो बस इतना ही बताना था इसमें कि भैया आर्किटेक्ट और प्लानिंग को आप इतना कहते हैं ना, ऐसे धुरधुरा है भाग यहां से, ऐसे टाइप से मत समझो. ये छोटे दिख रहे हैं, अंडर डॉग्स हैं, बट ये बहुत काबिल है. ठीक है, तो बस यही बताना था. इन्फॉर्मेशन आई गेस समझ में आया होगा. अब ये दूसरा इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता. जिनको पता है कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो. तो जिनको पता है वो, उनके लिए मैं राम राम कह देता हूँ. वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना. खासकर शेयर इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद आर्किटेक्चर भरे नहीं, या भर दें और उनको भी लगे यार बेकार हो गया. बट उनको ये वीडियो शेयर करना कि देखो हर्ष सर ने बताया है आर्किटेक्चर और प्लानिंग में क्या क्या फायदा है, तो उनको शेयर करना ताकि वो भी इस अच्छे फायदे का, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए. ठीक है, अब जिनको एमबी सैट नहीं पता है उनको बता देता हूँ. वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है. ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है. इस टेस्ट से वेदांतु में स्कॉलरशिप मिलेगा फॉर योर एडमिशन टू वेदांतु. वेदांतु 2 फॉर्मेट में चलता है. एक तो ऑनलाइन क्लासेस जो आप सबको पता है घर बैठे पढ़ सकते हैं, दूसरा वेदांतु 14 different cities में ऑफलाइन भी ओपन हो रहा है. इसी साल ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो उन ऑफलाइन सेंटर्स में या ऑनलाइन सेंटर्स, मतलब या ऑनलाइन कोर्सेज में, आप जहां भी एडमिशन लेना चाहें, उसके लिए स्कॉलरशिप आपको इस टेस्ट के थ्रू मिलेगी. ठीक है, इस टेस्ट को देना फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये टेस्ट कब होगा? तो 4 दिनों पे हो रहा है, 2, 3, 9 और 10 दिसंबर को. ठीक है, इन चारों में से कोई भी डेट आप चुन सकते हैं. इन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा? बहुत सिंपल है. फिजिक्स में 10 सवाल पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 10 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स में 10 सवाल पूछे जाएंगे.
क्या रहेगा सिलेबस, कौन से 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं और 12th में जाएंगे अगले साल, 12th के लिए एडमिशन लेना है, तो आपसे सिर्फ 11th का सिलेबस पूछा जाएगा, और वो भी 11th में मतलब वो JEE के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने बताए हैं, बस वही से पूरा सिलेबस, 100% सिलेबस नहीं है। और वही अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आपसे 11th 12th पूरा पूछा जाएगा, ठीक है। ये 30 सवाल पूछे जाएंगे, 60 मिनट का पेपर होगा, 60 मिनट का पेपर होगा। इस 60 मिनट के पेपर में आपको 4 नंबर मिलेंगे सही जवाब के प्लस 4, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग 0 है, तो ये आपके लिए फायदा है, ठीक है। दूसरा हाँ, तो ये आपके लिए फायदा है। आप इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से दे सकते हैं, तो ऑफलाइन सेंटर भी आपके शहर में है, होगा मोस्ट प्रोबेबली हर शहर में है। तो आपको करना क्या है, कैसे पता चलेगा ये सारी चीजें, कैसे रजिस्टर करेंगे, तो ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में नीचे आ जाइए, इस वीडियो में देखो नीचे ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाओ। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर MBSAT, क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करते हो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप अपना नाम डाल दीजिए, अपना ग्रेड चुन लीजिए, जैसे 10th के हो तो 10th, 11th के हो 11th, कौन से बोर्ड में है, तो जैसे JEE अगर देना है JEE दे लो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन लेना चाहते हो ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन लेना चाहते हो अपने शहर में तो ऑफलाइन मिल जाएगा, अदरवाइज ऑनलाइन चुन सकते हो, वो भी मिल जाएगा, घर बैठे दे दोगे। सिटी डाल लो, तो जैसे मेरा सिटी है भोपाल, तो मैं डाल दिया भोपाल, और फिर अपना मोबाइल नंबर डाल दो, रजिस्टर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट देकर आप अपने आपका लेवल भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बता दो फायदा क्या है, तो स्कॉलरशिप अप टू 100%, आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी फॉर एडमिशन टू वेदांतु। एंड एट द सेम टाइम उसके साथ साथ अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया उस एग्जाम में, तो बहुत सारे और फ्रीबीज, गुडीज या बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, जैसे आप स्पेस रिसर्च सेंटर जा सकते हैं, आपको ड्रोन मिल सकता है, आपको स्मार्ट वॉच मिल सकता है, वो सारे फायदे हैं, ठीक है। तो आप में से जिसको भी इंटरेस्टेड हो आप इसमें भर सकते हो, क्लियर बात, समझ गए। चलिए जी सर, बी आर का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सिद्धि, बी आर का फॉर्म भरना बहुत ही सिंपल सा है। आप जो JEE मेंस वाला वेबसाइट है ना, जिसमें JEE का फॉर्म भर रही है, तो JEE मेंस में बीटेक के साथ बी प्लानिंग और बी आर भी भर दीजिए, हो गया बी आर का फॉर्म, ठीक है। अगर सिर्फ बी आर करना चाहती है, बी प्लान नहीं, तो बीटेक और बी आर कर दीजिए, क्लियर। सर प्लीज टेल मी, अगर 10th वाला बच्चा MBSAT अच्छे से निकालता है तो क्या आप उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल ले जाएंगे। अरे भाई हम ये नहीं देखेंगे वो बच्चा 10th का है कि 8th का, इवन 8th का बच्चा अगर अच्छे से निकाल लेना है MBSAT, तो वो 8th का बच्चा भी जा सकता है रिसर्च सेंटर, बिल्कुल जा सकता है, वैलिड है, ठीक है। अब अच्छे से एग्जाम पढ़ाई करके निकालो। सर मैंने 12th पास की है इस साल, बट 75% से ऊपर नहीं है, तो इस केस में फिर बेटा तुमको दोबारा से देना पड़ेगा। इसको इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा फरवरी में, तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म में 12th अपियरिंग लिखूं या पास्ट? पास्ट, 12th अपियरिंग नहीं लिखोगे, 12th पास। अगर देखो 12th वापस से एग्जामिनेशन दे रहे हो, वापस से मतलब जो पिछले साल वाला आया है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं, इंप्रूवमेंट दोगे तो पिछले साल वाला ही माना जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं दे रहे हो, वापस से एकदम फ्रेश बोर्ड दे रहे हो, तब अपियरिंग होगा, अदरवाइज पास्ट होगा, ठीक है। चलो व्हाट अबाउट BS? BS भी अच्छी डिग्री है, ठीक है। सर प्लीज मेक अ सेशन फॉर NRA स्टूडेंट्स लिविंग इन गल्फ और एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, लाइक दे कैन राइट JEE मेंस एग्जाम 2025 एडवांस पॉसिबल, कैन वी गो इनटू IIT, सेफ स्कोर फॉर NIT, आई विल ट्राई मेकिंग इट, जस्ट पुट अ कमेंट, इफ आई गेट अ सपोर्ट आई विल मेक इट, ओके। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज वेलकम बेटा IIT। चलो तो सर ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए का लिंक कहां से मिलेगा? और अरे वो सिर्फ सेम है, तो इसी लिंक पे तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हो, यही सेम लिंक से तुमको रजिस्टर करना है। ऑनलाइन पेपर देना चाहते हो कि ऑफलाइन, सब यही सेम लिंक से होगा। तो और इसके थ्रू तुम ऑनलाइन अगर मान लो रजिस्टर कर दिया और बाद में तुमको ऑफलाइन ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हो, ऑफलाइन रजिस्टर किए बाद में ऑनलाइन करना है वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब सेम लिंक है, ठीक है। सर बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, प्लीज सर कुछ एडवाइस दीजिए। डार्क लॉर्ड YT करते जाओ, देखो जितना पेपर दोगे उसी से स्कोर सुधरेगा, बैठे बैठे या कोई और सजेशन से कुछ नहीं होगा, स्कोर तो उसी से सुधरेगा कि तुम करते जाओ, ठीक है। सर फ्रॉम वेयर आई कैन डू PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स इन इंडिया? PhD करने के लिए तो भाई बथेरे बहुत सारे हैं यूनिवर्सिटीज, सारे यूनिवर्सिटीज हैं, IIT से भी कर सकते हो, NIT से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे, पहले वहां तक पहुंचो तो। 40,000 प्रॉब्लम पर बीटेक चाहिए, वो प्रॉब्लम पर बीटेक चाहिए, फी नहीं सबमिट की है। दिव्यांशु बैंक लोन दे देता है, डोंट वरी। सर JEE रजिस्ट्रेशन वीडियो ले आओ,
जेई रजिस्ट्रेशन वीडियो पे काम चल रहा है, उसमें देखते हैं थोड़ा सा कुछ मुश्किल आ रहा है, इसलिए बाकी तो मैं ले ही आया था, मोटा मोटी रजिस्ट्रेशन वीडियो तो डाल ही दिया है। ठीक है, 4000 प्रॉब्लम, दिव्यांशु 4000 प्रॉब्लम है तो फिर मत भरना है भाई, सर बीटेक कर दे, ऐसा क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो सर जेई का रजिस्ट्रेशन वीडियो ले, और ले आएंगे। सर मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है बट लॉग इन करने पर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा आता है, तो एप्लीकेशन नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड से चेंज कर लो तो उससे हो जाएगा। ठीक है सर, एंग्री अपडेट, एनी अपडेट रिगार्डिंग गदर सीरीज, ईगरली वेटिंग। निशिल पटेल, गदर सीरीज हम लाएंगे, लेकिन गदर सीरीज एक्चुअली एग्जामिनेशन के ठीक पहले आता है, तो अभी उसके पहले पीवाईक्यू सीरीज की डिमांड है बच्चों का, तो पीवाईक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगर 12th बोर्ड में 75% से कम मार्क्स है तो हम बीआर के लिए एलिजिबल नहीं है क्या? है सिद्धि, है बीआर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा अभी तक। ठीक है, बीएस डिटेल, वैसे बीआर का मैंने पूरा पता भी नहीं किया है, वैसे जहां तक मेरे को आइडिया है उस पर ये कंडीशन नहीं लगा है, बट फिर भी पता कर लूंगा। ठीक है, और बताइए, रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। सर आई वॉन्ट टू बिकम साइंटिस्ट बट, ठीक है जोगिंदर, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। देखो मैं सारे डाउट्स ले नहीं पाऊंगा, अभी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल रिप्लाई देयर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।